अबे तो पड़ोड़े लूटा खैरो बेकार दम था। जय हिंद जय भारत, वतन के लिए किसी को कोई। एडमन, हमारा नाम काली है। लड़की को जंगल में उठा के कोई शैतान ले जाता है। अक्षय कुमार, दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार। उठा। पिछले तारीख में ये बताया गया को। दबाइए इस बेल आइकन बटन को भाई साहब। अगर इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो जरा सी भी रत्ती भर भी तो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका होस्ट रजनीश शुक्ला, और आप सबका स्वागत है आप ही के चैनल आरएस एंटरटेनमेंट में। और आज मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से, ऐसे जिनको देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अभी वो अपने जीवन के बारे में भी बताएंगे और आपको एक से एक मनमोहक आवाजें भी सुनाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूं मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट सिद्धार्थ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा, इतनी बड़ी बात कही, और आपके आर्यस इंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं सिराज भाई से चाहूंगा कि वो अमरीश पुरी की आवाज में हमारे सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे दें। तो सिराज भाई। अरे भाई, सोम सोम तामो जाजा। मैं आप लोगों को अमरीश पुरी पहले मैं बता दूं, वैसे तो मैं आप लोग को नया साल की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खुश रहो और खुश रहने दो भाई। तो सिराज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि सिराज भाई जो इतने बड़े कलाकार हैं, वो रहने वाले कहाँ के हैं? जी, गोंडा जिला से वजीरगंज से हम हैं। और वजीरगंज से हैं आप, तो ये बताइए आपका मिमिक्री में रुझान कैसे रहा? आपने ये फील्ड कैसे चुनी कि आपको मिमिक्री ही करना है, और आप इतनी अच्छी कर भी कैसे लेते हैं? मॉर्निंग टाइम में प्रैक्टिस करता हूँ। जब पहली बार मैंने शाहरुख खान की मिमिक्री की थी अपने दोस्त के सामने, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं मिमिक्री, मतलब मेरे दोस्त ने कहा ये शाहरुख खान जैसा लग रहा था, मैंने कहा शाहरुख खान जैसा, फिर उसने रिकॉर्ड करके मेरे को सुनाया, फिर हाँ मुझे लगा, फिर मैं उस पर काम करता रहा। लोगों ने बताया कि अगर मिमिक्री आप करोगे इसमें कैरियर बना सकते हो, और फिर मुझे ऐसा लगा, और फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा और एक आवाजें बढ़ती गई, और इसके प्रति और हमारा मन लगन दिल से मैंने प्रैक्टिस की और होने लगा बस। मतलब आपने सबसे पहले शाहरुख खान साहब की आवाज निकाली? जी, शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं, मैं उनको कॉपी करता हूँ। तो फिर क्यों ना हमारे दर्शक शाहरुख खान साहब की आवाज आपके द्वारा सुन लें। ए प्रिया, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे आंखों में आंखें डाल के खो के तुम्हें मुझसे माफ पाते। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। इससे तुम प्यार को हो या पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि दुनिया के किसी एक कोने में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और मरते दम तक करता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब। तो अब आप ये बताइए, आपने एजुकेशन में क्या किया, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं? एजुकेशन में मैंने इंटर फाइनल कर लिया है, हमारे यहाँ नंदनी नगर से बीए कर रहा हूँ, और बहुत ऐसी मैं जो करना चाहता हूँ कोर्स, तो शायद उसके लिए परेशानी है, लेकिन आई होप डेट कर लूंगा, बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। चलिए, तो भाई साहब इंटर कर चुके हैं, तो भाई साहब हमें लगता है अभी आप इंटर पास करके आए हैं, यानी कि आपकी उम्र अभी बहुत ही कम है। आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े आर्टिस्ट बने, तो आप दर्शकों को ये बता दीजिए आप कितने साल के हैं? जी बिल्कुल, मैं 18 साल अभी चल ही रहा है, 18 साल अभी चल ही रहा, मुकम्मल हुआ नहीं है। तो भाई साहब 18 साल की उम्र में इतना बड़ा धमाका करते हैं, तो क्यों ना इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक पुराने कलाकार प्राण साहब हैं, उनकी आवाज में दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई दिला देता हूं। बेटा साईं, लगता है इस चैनल पे नए आए हो, इसलिए तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले मैं तुमको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और तुमसे ये कहना चाहता हूँ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।
बहुत सुंदर भाई साहब। तो अब ये आप बताइए कि आपने मिमिक्री करना किस आर्टिस्ट से सीखा? बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आपने किसी से सीखा या अपने मन से अपने अंदर की एक उमंग थी, या आपने किसी को देखकर सीखा, किसी को देखकर बड़े हुए? मिमिक्री एक ऐसा कला है जो कोई सिखाता नहीं है, टिप्स भले ही दे सकता है। और बहुत अच्छे अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जय विजय सचान साहब बहुत ही वर्ल्ड नंबर एक आर्टिस्ट, जय विजय सचान साहब बहुत गजब के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, चेतन साहब हैं और BIP हैं, रॉबर्ट श्रीनाथ, ऐसे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, बस इनको भी देखता हूं, खुद से भी करता हूं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती को आप कितना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, जितने भी एक्टर कलाकार कोई बुरा नहीं होता, हम सब आर्टिस्ट को पसंद करते हैं। अभी मिथुन साहब को मिमिक्री करके दिखाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अपना नाम शंकर है और शंकर जा भी जाता है, गरीबी को मिटा देता है, अब उन गरीबों के लिए देवता और अमीरों के लिए शैतान है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये बहुत बड़ी कला है भाई साहब आपके अंदर कि आपको हम जिस कलाकार की आवाज करने को कहते हैं आप हूबहू बिल्कुल, हमको तो लगता है मिथुन चक्रवर्ती से बेस्ट आपने बोला, ऐसा मुझे लगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप मिमिक्री में ही करियर बनाना चाहते हैं या आगे कुछ और आपका प्लान है? जी, मिमिक्री पे ही सब कुछ मेरा शुरू है, जो कुछ है हमारा मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडियन या तो मिमिक्री, और उसके आगे हमें न तो कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है, हम कुछ नहीं करेंगे, मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडियन बस। तो भाई साहब का लक्ष्य भी यही है, भाई साहब का ध्येय भी यही है कि वो आगे चलकर मिमिक्री के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं और जरूर करेंगे। ये हमारी आप लोग गुजारिश है कि आप लोग जाएं, इनका चैनल है सिराज का राज, उसको भी सब्सक्राइब करें। अभी ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू खत्म हो गया है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी आवाजें और सुनाऊंगा। तो भाई साहब अब आप सुना दीजिए असरानी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, सब सुधर गए लेकिन मैं नहीं सुधरा। अबे कौन कहता है श्रानी को आवाज निकालनी नहीं आती, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी सब हमारे पीछे आओ। जॉनी लीवर। वहाँ पर मेरे छोटा छोटा बच्चा लोग, एक छोटा वाला जिसका नाम राजू खाता बहुत काजू रहता दुकान के बाजू है, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कैसे नारियल पानी बेचते सर, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबा। तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कृपया आप लोग इनके चैनल पर जाइए, इनका चैनल का नाम है सिराज का राज, वहां पर अभी इन्होंने स्टार्टिंग की है, छोटे छोटे वीडियो डाले हैं, लेकिन आगे अगर आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। और सिराज भाई आप हमारे चैनल RS एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही गजब का होनहार चैनल है, मैंने इनका बहुत सारा वीडियो देखा, एक इनका वो था वाह रे गरीबी, जो बहुत ही हम इमोशनल हुए देखकर। आप प्लीज इसको देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी के मनोबल को मत तोड़ने दीजिए यार, क्योंकि अगला मेहनत करेगा, अगर आप दर्शक, आप भगवान होते हैं हमारे लिए, अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो भाई साहब आपने शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म में एक सुरमा भोपाली रहा करते थे जिनको लोग जगदीप शायद कहते हैं, तो आप उनकी आवाज निकालिए। अरे मिया खंबा उखाड़ के जय और बीरू दोनों लपाक धपाक से आ गए, मैंने दोनों को ऐसे जकड़ के पकड़ लिया, मिया मैंने कहा अब दोनों जा नहीं सकते, अरे मिया प्या 5 रुपए में पूरी जंग खरीद, दबाक लो, मैंने गब्बर को पकड़ लिया, मिया खंबा उखाड़ के ऐसे ही मुझको नए सुरमा भोपाली कहते। बहुत सुपर भाई साहब, बहुत सुपर। तो भाई साहब मैं उसी शोले फिल्म का एक और किरदार है रहीम चाचा जो अंधे हुआ करते थे, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी आवाज निकालें। आज मैं जाऊंगा अपने अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह तुमने मुझे और बेटे क्यों नहीं दिए ताकि मैं अपने देश के लिए उसको कुर्बान कर सकूं। अरे भाई बसंती ये शोर जराबा कैसा है। बहुत सुपर भाई साहब।
तो अब मैं चाहूंगा कि शोले के सबसे बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज सुनने के लिए अभी तक सारे दर्शक बेताब हैं, आप अमिताभ बच्चन की हमें लगता है दो टाइप से मिमिक्री करते हैं, आप उनकी दोनों टाइप की मिमिक्री हमारे दर्शकों को सुनाइए और मिमिक्री में आप उनको नए साल की हार्दिक बधाई जरूर दीजिए। बस अब आप सभी लोगों को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका इसको जो है शेयर सब्सक्राइब की जाए। देखिए भाई साहब, अगर आपके खोपड़ी में कोई टेंशन हो जाती है तो मामली सा तेल लाइए जो आपकी खोपड़िया की टेंशन ये मिट सके। देखिए मुंशी जी, ऐसा है कि मोछे हो तो न तो लाल जी जैसी हो वरना ना हो, क्या करें भाई साहब, जिंदगी के इस पड़ाव में हम लोग जो है खुद ही ऐसे बच के रह जाते हैं। बहुत सुपर, बहुत सुपर, बहुत सुपर भाई साहब। तो आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की आवाज सुनी, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। अभी मैं इनसे कुछ और आवाजें सुनूंगा, उससे पहले मैं इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। तो भाई साहब, आप लोगों ने हीरो की बहुत आवाज सुनाई, स्टार्टिंग आपने विलन से की थी और समाप्ति भी विलन से करी है, तो आप शक्ति कपूर सुनाइए। अरे डॉक चिकी डॉक चिकी डा, मैं ऐसी हरामी औलाद का बेटा हूँ, जब तक जिसके चूरे पे खून नहीं लगाता तब तक मेरा दिन खाली नहीं जाता। आओ और ललिता मेरी जाने तमन्ना डाक चिकी डा। बहुत सुपर डैनी डैंजोप्पा। गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते, कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला तेरा पापी कुत्ता था, मेरे साथ काम करोगे तो नम होगा तुम्हारा, लोग डरेंगे तुमसे। सुपर सुपर सुपर। और कैडा स्वामी, ये कमांडो तुम्हारे बाप है बाप, पत्ता हिलने से पहले अब पेड़ को काट डालते हैं, भलाई इसी में है, बिना हिले डुले इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे भैया, हम राजपाल यादव, हमारे बचपन के दोस्त, कसम से अगर ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो उसको शेयर कर दो। ऋतिक, ओ गाइस अनबिलीवेबल, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी दादी भी मुझको होम मीटर देती थी और आप भी मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसको शेयर कीजिए। और आपके आसपास कोई ऐसा करेक्टर जो आपको बहुत फनी लगा हो, जैसे आप मार्केट में जाते हैं सब्जी वाला वगैरह वगैरह, तो वो भी आप करके बता दीजिए। हमारे गाँव में एक थे, वो अवधी भाषा में बोलते हैं नेताजी। देखो भैया, ऐसा है कि अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है तो तुम्हारी फर्जी बना दे जो कब बनवाओ। अच्छा, रवि किशन भोजपुरी एक्टर का कोई नहीं करता है। हाँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप रवि किशन का करके सुना दीजिए। जी बिल्कुल, रवि किशन का हमारा एक दोस्त है संजीव कुमार संगम, वो अच्छा करता है, मैं भी करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। भैया एगो बात कहा ताड़ भैया, हमारी एगो मूवी आवा ताड़ भैया, वो मूवी के नाम बस सन की दरोगा, हमारी इस वीडियो को लाइक किया हो भैया, सब्सक्राइब किया, जय राधा माधव। बहुत सुपर, बहुत सुपर। वेलकम बैक दोस्तों, इंटरव्यू की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। तो मैं अब सिराज भाई से कुछ सवालात और करूंगा। तो सिराज भाई, आप ये बताइए, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इस मिमिक्री के क्षेत्र में? जी, गांव का तो आलम ऐसा होता है कि बच्चे को बस पढ़ा लिखा कर अच्छा नौकरी मिल जाए यही सोचते हैं, लेकिन सपोर्ट ज्यादा फैमिली से नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तो अब आप अजय देवगन की सुना दीजिए, अजय देवगन की आवाज में हमारे दर्शकों को बधाई दे दीजिए एक बार। अबे तो पनोड़े लूटा खैरो बेका दम थप, मेरी किश्ती थी डूबे बाप छापाली कम थप। बाकी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आरजे एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और दाने दाने में कैसर खत्म, और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुपर, बहुत सुपर भाई साहब। तो अब मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, आजकल हिंदुस्तान में जो फैमिलीज हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी हैं, हाई प्रोफाइल, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी एकदम लोअर क्लास फैमिली से हूँ भाई, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, नहीं तो कुछ और करते, बस आप लोगों का प्यार चाहिए बाकी सब। तो दर्शकों, हमारे भाई साहब लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक दिन हाई प्रोफाइल फैमिली के हो जाएंगे, ये इनका टैलेंट कहता है। आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो यार सपोर्ट करिए प्लीज भाई को। तो भाई साहब, अब मैं आपसे चाहता हूँ नाना पाटेकर को सुना दीजिए। जय हिंद जय भारत, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है,
क्यों जिया मालूम नहीं, क्यों मरा मालूम नहीं। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क देश शायद आने वाले कल में अपने आप को नक्शे कदम में नहीं देख सकता। साला खुद के देश में सुई नहीं बना सकता, हमारे देश को तोड़ने का सपना देख रहा है। वो ये सपना देख सकता है, उसे पता ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। कलम अली भाई कलम की जोर पर इंसाफ लाना चाहती थी, काले मुसलमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को। बहुत सुपर भाई साहब, बहुत सुपर। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप ही माइक पकड़ लीजिए, मैं एक्टर्स के नाम बोलता रहूंगा, आप फटाफट निकालते रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला नाम गुलशन ग्रोवर। अरे बैडमैन, हमारा नाम काली है और हमारा जुबान भी काली है और हम पूरा दिमाग से काली है। हमारे मुन्ना को कौन मारा है, उनका कलेजा खींच लेंगे और सपना के साथ मुझे गाना गाना है। नसीर। ओ क्या है, एक आम आदमी क्या सोचता है, अगर एक लड़की को जंगल में उठा के कोई शैतान ले जाता है तो आपका फर्ज बनता है उसको ईटा और कंकड़ से मारा जाए। अक्षय कुमार। दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। बाबू भैया सच में बताओ, ये साला श्याम का बच्चा अक्षय कुमार की आवाज सुन रहे हो भैया? हम आपको बता रहे हैं अक्षय कुमार की आवाज में बहुत ताकत लगता है। एमजे टोपा। टोपा होगा उठा कर नाले में तुमको पटक देंगे, उठाने वाला कोई रहो पटक कर पट्टी बजाएगा। सनी देओल। बाबू जी पिछले तारीख में ये बताया गया कि दामनी पागल है और इस तारीख में ये बताया जा रहा है कि दामनी सातिर है। मैं चाहता हूँ सरकारी खर्चे पे चड्डा साहब को अस्पताल भेजा जाए ताकि वो वहाँ से ठीक ठीक आकर हमें बता सके या तो दामनी है पागल है या तो सातिर है। सनी देओल के पप्पा धर्मेंद्र। जज साहब, मैं पाकिस्तान से लड़ा, सॉरी मेरा बेटा सनी पाकिस्तान से लड़ा और वो जीता। मेरी बीबी हेमा मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती। लेकिन मेरा बेटा बॉबी कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा साथ? सलमान खान। अकल के आने से पहले शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? वैसे भी सुना है इंग्लिश बोले से लड़की जल्दी पड़ जावे। अच्छा, बहुत अच्छा। विजय राज। अबे कहाँ कर रहे हैं? अबे दिल्ली जा रहे, दिल्ली हमारा दोस्त रही था वहाँ सिद्धू। अबे जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या। टाइगर श्रॉफ। अबे क्या क्या अपना राकेश लड़की लेके भाग्य हो। अबे ये तो पार्टी वाली बात हो गई। अबे जब चुपा दी है तो हाथ से बात क्यों कर रहे हो? और जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट हमारा शाहरुख खान ही है। ओम प्रकाश सुना दीजिए। मेरे बाबा 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 ऋतु सबको लेके जा रहे हो, बस ओम प्रकाश को छोड़ के जा रहे हो बेटा, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। वाह भाई वाह, सुपर सुपर। अच्छा अब मैं सुनना चाहता हूँ सुनील शेट्टी। हे माँ शक्ति दे जा माँ, कौन सारा मारता तुम पे, कौन सारा मारता मैम साहब तुम पे, और मर भी गया मैम साहब तो धड़कूंगा हमेशा की तरह तुम्हारे दिल में तुम्हारी ताकत बन के। अब इंटरव्यू खत्म होने वाला है, खत्म होने से पहले एक बार अमिताभ बच्चन की आवाज में आप हमारे चैनल के बारे में कुछ कह दीजिए। इग्नोर मत कीजिए इस बेल आइकन बटन को, दबाइए इस बेल आइकन बटन को भाई साहब। अगर इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो जरा सी भी रत्ती भर भी तो आप इस वीडियो को जो है भाई साहब भाई अबे शेयर कर दो। लल्ला क्या कर रहे हो? अबे देख के तुमको तो यही कहना चाहिए कि सिस्का लेडी चक्कर में मत पड़ो, अभी शेयर करो दबा के, समझ रहे हो? परेश रावल। राजू अरे राजू अरे श्याम, साला आधा मछली तेरे घर चली गई, आधी पानी में पूर के मर गई। वाह भाई वाह 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 वाह। तो अब मैं कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से, इस बड़े कलाकार को सपोर्ट करिए, इसको आपके प्यार की बहुत सख्त जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के प्यार से ये भाई साहब आगे जाएंगे और मैं मुझे पूरा भरोसा ही नहीं पूरा यकीन है कि बहुत जल्द ये सक्सेस होंगे, इनको सफलता मिलेगी। तो मिलता हूँ भाई साहब अगली बार अगले वीडियो में अगली कॉमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।